नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन टॉपिक पर, जहां पर मैं आपको एक वीडियो में डेली एक टॉपिक बताता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिन्ना पद्धति को लेकर के, किसने इसको दिया और जीवों में इसका क्या महत्व है और ये किस तरह से काम आता है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। जी हाँ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है अभी, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, मैंने अभी अभी न्यू चैनल खड़ा किया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको द्विनाम पद्धति। इसमें होता क्या है, जीवधारियों का जो नामकरण होता है वो उसमें इसका महत्व है, इसलिए काम आता है। जीवधारियों के नामकरण के लिए, जीवधारियों का नामकरण इसके थ्रू होता है। द्विनाम पद्धति दिया किसने ये है, तो मैं आपको बताऊं कि 1753 ईस्वी में, सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने इसको दिया। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति का प्रचलन किया, और इसी पद्धति के थ्रू कैरोलस लिनियस ने जितने भी जीव हैं उन सबको एक नाम दिया, उनकी जाति के आधार पर और उनके वंश के आधार पर। इस तरह से इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है बायोलॉजी के क्षेत्र में, कैरोलस लिनियस का। तो चलिए मैं बता देता हूँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पद्धति के अनुसार जो नामकरण जीवों का जो नामकरण होता है वो किस भाषा में होता है। याद रखिए कि कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि किस पद्धति द्विनाम पद्धति के थ्रू जो नामकरण हो रहा है वो किस भाषा में किया जाता है, किस भाषा में किया गया था, फिर किया जा रहा है, फिर किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो जो भाषा है वो लैटिन भाषा है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इसी भाषा का प्रयोग नामकरण के लिए किया था। कैरोलस लिनियस बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से और मैथ से पढ़िएगा। अब नाम द्विनाम पद्धति के थ्रू क्या होता है कि जो पहला जो नाम होता है वो क्या होता है, वंश का होता है। पहला जो होता है वो वंश नाम होता है, और जो दूसरा होता है इसमें वो जाति नाम होता है। ठीक है दोस्तों, पहला नाम वंश नाम होता है, दूसरा जाति नाम होता है। अब जो तीसरा, उसमें जब कहीं आपको लिखा कोई नाम आता है तो उससे होता क्या है कि लास्ट में एक तीसरा नाम होता है जो कि वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक का नाम होता है, तीसरा जो नाम होता है वो वैज्ञानिक का नाम होता है, और वो इसलिए रखा जाता है कि उससे हमें पता चलता है कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। हालांकि कुछ है जो लिनियस ने स्टार्टिंग में जो दिया था, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मनुष्य, मनुष्य का नामकरण इन्होंने सबसे पहले किया था। और वो क्या किया था, मनुष्य को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। लिन, होमो सेपियंस लिन। होमो क्या है, उसका वंश है,
सेपियंस क्या है उसकी जाति, और लिन क्या है वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, लिन क्या है वैज्ञानिक का नाम है। अब लिंग से मतलब क्या है पता है आपको, लिंग को अगर हम करें तो लीनियस बनता है। लिंग से लीनियस, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।